सिया कहो राम सुमिरन करो से प्रणाम स्वीकारो। और आप ये नहीं जानते होंगे कि मैं कौन और कहां का रहने वाला हूं। बाबू मैं इसी गोरखपुर जिले का, गोरखपुर जिले का एक छोटा सा गांव है गोमती नगर, मैं वही का रहने वाला हूं बाबू। और मेरा नाम विजय कुमार है, मुझसे एक छोटी बहन है बाबू जिसका नाम बिजली है, भगवान की माया बाबू कि हम लोग छोटे छोटे थे तभी हम लोग के ऊपर से माता पिता का साया बाबू हट गया और हम भाई बहन नाथ हो गए बाबू। किसी तरह से दिन बिताने लगे बाबू। इतना ही नहीं कि वो गांव छोड़ करके हम भाई बहन चल दिया स्टेशन पर, स्टेशन पे गाड़ी आए, टिकट कटा कर हम लोग भाई बहन सोचे कि बैठ करके किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे बाबू, वहां पर कमाए धाए कमाएंगे, भाई बहन आराम से रहेंगे। लेकिन वह रे समय कि गाड़ी पर इतनी भीड़ थी ट्रेन पर
किसी तरीके से मैं तो चढ़ गया बाबू, लेकिन मेरी बहन बिजली नहीं चढ़ पाई। इतना ही नहीं बाबू, इतने में ट्रेन आगे बढ़ गई और मेरे बहन का साथ मुझसे छूट गया। दूसरे स्टेशन पे गाड़ी जाकर के जब रुकी बाबू, तो मैं वहां से फिर भागते हुए वापस आया, लेकिन अपने बहन बिजली को बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया बाबू, लेकिन अपनी बहन बिजली को मैं नहीं पाया। इतना ही नहीं, मैं मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई किया, एक पुलिस का वांट निकला था, उसमें मैंने फार्म भरा है, लेकिन भगवान की माया अभी तक उसका कोई समाचार नहीं मिला कि क्या होगा या नहीं होगा मालिक। मैं कुछ देर बैठ के इंतजार करता हूँ, उसके बाद फिर काम धंधा के लिए चलूंगा बाबू। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर को पहुंचाता, मैं तो बक्सेड़ा से आता, लीजे जान जान जान, लीजे जान जान जान, लीजे जान जान जान, मैं तो डाकिया कहलाता। अब यहाँ पर तो आ गया हूँ, अब यहाँ पर तो आ गया हूँ, चलकर आगे देखता हूँ, चलकर आगे देखता हूँ कि जिसकी चिट्ठी आई हुई है, पहले लिस्ट निकाल लूँ तो यार। ये घर यार किसको पता करना पड़ेगा। अरे भाई इस घर में कोई है क्या भैया? अरे मन ही है और का तो का हम जानवर बोला, थोड़ा बाहर आओ भाई साहब, आइए बाहर भाई। जय राम, जय राम, जय राम। हमका चाहे पाना था का जो तो का रिश्ता करे है, का भाई जन पहचान का रिश्ता करैया एक ग्राम तो का आया यहां लड़का देख है। अरे ओसे लड़का देख है यार, चुप भाई साहब। हां थोड़ा हमारा पेशाब देखो, इसको क्या कहते हैं? पोशाक, पोशाक, पोशाक। अरे यार थोड़ा पोशाक देखो, हम पोकमैन है, पोकमैन। अभी तक तो मैंने पोस्टमैन सुना था, लेकिन ये पोकमैन कब से हो गए? शायद तुमको पता नहीं है, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पोस्टमैन होते हैं, और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पोकमैन होते हैं। ठीक है साहब, मैं मानता हूं कि जो कम पढ़े होते हैं उसे पोस्टमैन कहते हैं, और जो ज्यादा पढ़े वो का पोकमैन कहा था, लेकिन हम अंतर का बा? इसमें अंतर बहुत है, जो पोस्टमैन होते हैं वो घूस देकर भर्ती होते हैं, और जो पोकमैन होते हैं वो बिना घूस दिए भर्ती होते हैं। ठीक है साहब, इसको मुझे मत बताइए, इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप किस लिए आए इसे बताइए आप। एक बात ये बताओ, तुम्हारा क्या नाम पड़ता है? साहब मेरा नाम तो विजय कुमार है। विजय कुमार, तुम्हारी चिटकी आई हुई है। हमारी चिटकी आई हुई है और तुम्हारी फटही भी होगी। अरे यार उसको क्या कहते हैं यार, चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी, तुम्हारी चिट्ठी आई हुई है, यानी कि तुम्हारा तुम्हारा लोडर आया हुआ है। लोडर नहीं बल्कि बुलडोजर आया होगा। क्या कहते हैं? अरे उसे लेटर कहते हैं, पत्र कहते हैं। लेटर, तुम पेलिस का फॉर्म भरे थे ना? पेलिस की नहीं बल्कि हुलिस का फॉर्म भरे थे हम, पुलिस का फॉर्म कहते हैं। लेटर आया हुआ है,
और ये लो अपना लेटर ले लो भाई साहब, और एक काम, सुबह सुबह का वक्त है कुछ है। कुछ खर्चे पाने के लिए दे दो यार, सुबह का वक्त है। देखा भाई, भाई पैसा तो बहाना ही इबा अपन दर पता बता चला, तू ना तोरे घर वाले देख दे भाई। ए लंगड़े सरकारा आदमी हूँ यार मैं। सरकारा आदमी हो थोड़ा तमीज से बात करो, थोड़ा कायदे से बात करो। तुमको जो कुछ देना है यार अभी दे दो, ये सुबह का पहर है, बोहनी मत खराब करो। साहब बोहनी खराब नहीं करते, मेरे पास पैसा भाई नहीं है, पैसा हो जाए तो हम तुम्हारे घर पहुँचाई आओ। रहने दो भाई, मेरे घर पे मत पहुँचाना। अच्छा तो मैं चलता हूँ जयराम जी की। साथियों बड़े खुशी की बात है कि जो पुलिस का वांट मैंने भार भरा था, भगवान ने मेरी विनती प्रार्थना को सुन लिया। भैया राम 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 राम। अरे यार कोई आया था क्या अपने घर पर? अरे पोस्टमैन डाकिया साहब आए थे। वो पोस्टमैन अभी रास्ते में मिला था, बहुत बदतमीज है यार। क्या हुआ? वो बहुत साड़ी वाला बहुत फालतू की बात करता है यार। मैं क्यों गाली दे रहा है? अगर अब दोबारा मिल जाए वो पोस्टमैन ना, वो अगर डाकिया हमको दोबारा मिल जाए साले को 200 जूता मारूंगा। सुबेदार तुम्हें मालूम हो जाए आज बड़ी खुशी की बात है कि जो मैं पुलिस का वांट निकला था, मैं फार्म भरा था, आज ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। क्या बात कर रहे हैं? चलो भगवान का है लाख लाख धन्यवाद है, अल्लाह मियाँ का मेहरबान ही रहा है। मेहरबानी कहते हैं, मेहरबानी नहीं। अल्लाह मियाँ का मेहरबान मेहरबानी मेहरबानी है कि आपका कम से कम नौकरी पाई गया, लेकिन हम ही गांव में बोकरी चराऊ भैया जाऊने थाने का। आप जब पुलिस बन जाया वहाँ थाने का हमका भैया छेवकी दाल बना ले है। नहीं सुबेदार, मैं छेवकी दाल नहीं बल्कि बघारी दाल बना दूंगा तुम्हें। थी जो उसे चौकीदार कहते हैं। हाँ, जो पुलिस के नीचे वाला होता है, हवलदार के नीचे वाला, होमगार्ड के नीचे वाला। अरे वही समझो। ठीक है सुबेदार, समय बहुत कम है, अब मैं चलूंगा नौकरी भी करूंगा, नौकरी के साथ साथ अपने बहन बिजली की भी तलाश करूंगा। चलता हूँ सुबेदार।
का बताए भैया बाबू हरा माई बहना का कार दादा हरा चाचा हरा बिट्टी हरा भौजी हरा बहनी हरा हमारे घरे में एक ही नौकर हन है जगाड़ा ना जानी कहा हमारी गवा गंगा जी के घाटे चले गवा एकर मूर चौरी हो जाए नाच गाने के इतनी देर से मैं आई हूँ फड़फड़ा रही हूँ इतनी देर से मैं आ रही हूँ फड़फड़ा रही हूँ लेकिन अभी तक नजर नहीं आया हराम का मैं बैठती हूँ ना हराम ज्यादा मेरे को कुर्सी नजर ना जाने कहाँ है सारे देखती हूँ तुम क्या हम कहे मावा खुरी छुई करे तोर माई नहीं भाई सो गए जब रे आ हम का लगा ले दुधारा माई नाम का 2 लीटर रेहा जगा रे रात में दुधाओ नहीं माई पाव लागी रे हराम जाते हैं हम कहे माई पाए लगही कौन कुछ पाए लगही रे हम कही दे देखा माई पाव लागी हम कहे मावा अलग अलग इंजन नहीं दू दू इंजन हराम जाते नहीं तो अलग निरंजन ने का हम कहे माई अरहर मत दे नहीं शंकर मत दे हराम जाते नहीं शंकर जी कहा दे हराम हर हर महादेव नाच गड़ाओ तो हर पट्टी चली जाए हर हर महादेव वही समाज क्या है क्या पाए माई वही पूरा पूरा नहीं पंतिया पंतिया वही पाए वही पाए एर बेटा माँ हमार बात सुन दे भैया बाबू हरे से मायू बहन हरे से माई बहन आई है तुम कहा हाजा का जो बैठी है मायू बहन को ना देश का हाल है तो हमार नाम हमारे बारे में हमारे विषय में ते बता दे रे मैं आराम करती हूँ और एक बात जो लाइटू है जहीं आती वो से जाग बता दे इराय बोल बोल के सारा मनाई भगाई दे है जहीं आती नहान हम का आवाज नहीं देन तब ऐसा आराम मना उड़ के चला गए भाटा हर गर भाषा जाओ 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 अरे तो हमारे माई अगर प्यारे काका तोहरे लगे चली जाए ना भाई अबे हमका जनता ने हम छाटी बीटी नहीं आई अरे तो ना हुई ला हम आज पहले रात के बहुत छाछटा बेटा हनाए हैं अरे यार प्यारे लाल काका तुरे चक्कर में हम पिला जाते ही एक हे धरत ये बुढ़ाई दा बैठा तो बैठा रहा चुपचाप से हाँ ना तो हर मूल फोटो बता दे दिया ही आवाज न पड़े हमका देखा पंचो हमारे माँ बाप के बारे में काका बा जुआ बा लेख बा चौगड़िया बा खटकिरवा बा चीलर का कौनो कमी नहीं ना
कितनी जुआ भरी है, कितनी चरगोड़िया, कितने हल भरी है, हम कहीं बताओ ना बोल रहे तो मेरे बारे में बता दे। अरे हाजा गाड़ू घर द्वार खेती बाड़ी धान डालक। एक बात ही बतावा मावा, वो सब चीज तो हम जानत है, आप जानत है। इतना दिन हमका तोहरे घर में करत हो गया, इतना दिन हमका तोहरे घर में नौकरी करत हो गया, जब तू आओ 15-16 साल के रहू तब ना लीन त आज कैसे ले। तोहर माई नहीं आई, इनकर माई हम इनकर मेहर हो गए। अरे बाबा हम कहीं तो ऐसा कह नहीं बोलते रे जगाड़े। जमाई आज से पहले लेवा कर नाम का नाम पहले नहीं तोड़े तो हर मुंह मामा तो अपन खोल के बताई दे सारा खोल मोहना खोल के अपन पर्चे बताए दे। पर्चे के नाम पहले नहीं तोड़ दे तो हम मूल हो। हाँ भाई तेरे कैसे बैठा जात है। हाँ ए भैया हर का हो लड्डू भैया कहा। हाँ एक कदर तक लोटा पानी और बिजली की जलाए के ही नाच गा नहीं बैठ जाता था तू। हाँ कैसे बैठा थी, कैसे बैठा भाई यार। हाँ भाई जो चुपचाप से नाम बताओ बनाए उनका नाम बाटे कंसराज रे नहीं था उनका नाम बा कंसराज। हाँ का जानी कहाँ बात है ना तू घूमा टहरा तो आराम से पी खाए के मामा पहले बैठा तो भूखान गया है ना और करे चल ठीक है। Thank you.
मालिक। मैं तो खेतों से काम करके चली आई हूँ और मैं सासू माँ मेरे बहुत जोर से भूख लगी होगी। मैं चलती हूँ और अपने सासू माँ के अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और फिर उसके बाद मैं घर का काम करूंगी। मैं आए हर जाई 12 बजे 2 बजे लाए खाना तो कहा दिया सासू माँ के चलने में पाव लागे। आज तो काम कह दो समझाई दे दही और बतारा निभाएगा और क्यों ना चूल्हे में क्यों ना जलाई।
तोहर तबियत नहीं ठीक है, का करी हम ओकर ओकर हम जिम्मेदार है का रे? ए भैया, ए हमारे ननकू भैया धोबी घाट वाले, ए हमारे ननकू भैया धोबी घाट वाले, अब हमारे लिए 21 रुपया दे रहे हो, मैं इनके लिए धन्यवाद करती हूँ, सोचती शुक्र अदा करती हूँ। चला गए का हो करे जाए सासू माँ, आप क्या कह रही है? छोटी छोटा करी भतार गाड़ी से का जाने हम का अब तो हर जाई तो नहीं हर जावे ऐसे न जा रहे तो हाथ तो नहीं हर जाए का जाने हम कते हाँ फुसुक का बाबा जी अरे मोर माय देखा तो हाँ रे बाप रे बाप यारे फुसुक का बाबा जी का रे हराम जादे, तेरी इतनी बड़ी मजाल, मेरी भाभी माँ को इस तरह से गलत दबा के तू मार रही है, मेरी बात सुन।
हराम जादे, तेरी इतनी बड़ी मजाल की मेरी भाई माँ को इस तरह से बेरे मेरे से गलत अब मारे रे। अगर तू सब सब नहीं बताई जिस तरह से तूने मेरी भाभी माँ के गलत अब मारे ने, उसी तरह से मैं तेरा भी गलत अब क्षमा डालूंगा रे। हो भैया हरा मायू बहन हरा ई बतावा ई हमार बताओ वादी हमार बेटवा हा जागा लाटे ई नान के रहा नै शहर में टीवी हा के एका लाई के झाखर आ साधु बाबा खिया एका सा एका लाई के साधु बाबा खिया झरावे के ऐसे हमरे ऊपर हक छरे ढेरा नाच करउ ना। परम आदरणीय सम्मानित हमारे बुजुर्ग साथी श्वेतागढ़, ये हमारे भैया श्री, इनके मार खाने पर इक्कीस रुपए देने पलटी भाई साहब को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं बाबू। ऐसे नाल के रहा ना एका झरावलिया साधु बाबा किया ऐसे हाँ के हमरा छिरे देखती भी हवा मेरी के हवा फिर न बड़ा क्यों छी हाँ के चाह दो जाते कर मार खावे का दवाई दे बेटा मर जाता है। ये मोर भैया हरा ई हमार बेटवा कर हम महतारी ई हमार पतो कर हम सास यही ई हमका मार लेकिन आए पूछे तो ये अम्मा तोर गलतिया के भाऊजी तोर गलतिया ई हैजा गाड़ा पूछे नहीं आए हमका रे मोर माई हो मार मारे ना अरे मोर माई हो माँ तुम हमारी माँ हो। अगर मेरी भाभी माँ ने गलती की थी तो मुझसे बताती मैं अपने भाभी माँ को डांटता। मेरी भाभी माँ इस तरह पेट थे तो उसका गलत दबा के क्यों मार रही माँ। अच्छे मेरी भाभी माँ कितनी बड़ी गलती की है माँ जो इस तरह से आपने मेरी भाभी माँ को गलत दबा के क्यों मार रही माँ। अगर ये बात को तूने नहीं बताया माँ मैं तेरा खला दबा के मार ढालूंगा और देखता हूँ तुझे बचाने कौन आता है रे। टाइमर बे हम का टाइमर बे तोर बाप नहीं मार रहे तो हम का कमर बे रे देखी तोर मार था हम का आई के ये बात है माँ। तो बोला जिसको बुलाना चाहते ही देखता हूँ तुझे बचाने कौन आता है बोला।